नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डीजी स्टडी पर आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 3 में जो गुजरात बोर्ड द्वारा सामयिक मूल्यांकन कसौटी का गणित का पेपर दिया गया है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमें यहाँ पर दो विभाग दिए गए हैं, एक दिया गया है हमें विभाग नंबर ए और दूसरा दिया गया है हमें विभाग नंबर बी। तो देखिए, यहाँ पर हमें विभाग नंबर ए में कुछ दिया गया है जिसके अनुसार हमें विभाग बी के साथ हमें जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक हाथी का चित्र दिया गया है। तो देखिए, हाथी तो बहुत ही भारी होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हाथी है वो कितने किलो का होगा, वो 900 किलो का होगा। अब जो भैंस है वो हाथी से थोड़ा सा कम वजन का होता होगा, तो जो भैंस है भैंस का वजन कितना होगा, तो वो 400 किलो का होगा। उसी प्रकार से जो मोबाइल फ़ोन है उसका वजन कितना होगा, तो देखिए मोबाइल फ़ोन का वजन हो सकता है 200 ग्राम। उसी प्रकार से जो तुम्हारा पेन है वो कुछ 10 ग्राम का हो सकता है। उसी प्रकार से कुछ दूसरा के सॉल्यूशन देखें तो हमें एक मेज दिया गया है, तो एक टेबल है वो ज़्यादा ज़्यादा कितने ग्राम का, कितने किलो, तो 10 किलोग्राम का वो हो सकता है। उसी प्रकार से या वीडियो का जो सॉल्यूशन है वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमें दूसरे नंबर का कुछ सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित विधानों को पढ़कर सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने हमें गलत करना है। तो आपके स्कूल बैग की अपेक्षा आपके कंपास बॉक्स अधिक भारी होता है, तो ये विधान बिल्कुल गलत है क्योंकि स्कूल का बैग का वजन कंपास का बॉक्स से अधिक होता है। उसी प्रकार से जो तुम्हारा चश्मे का भार है वो 200 ग्राम से कम होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि चश्मे का भार है वो 200 ग्राम से कम होता है जिसे हम आसानी से उसे पहन लेते हैं। अगर भारी चश्मा होता तो उसे हमें पहनने में तकलीफ होती। उसी प्रकार से हम बात करें तो बिल्ली, कुत्ते और खरगोश में सबसे अधिक भारी होता है खरगोश, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें खरगोश से अधिक भारी कुत्ता होता है, तो इस प्रकार से कुत्ता अधिक भारी होगा। उसी प्रकार से लोहे के बड़े टेबल का भार 2 किलोग्राम से कम होता है, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि लोहे का जो टेबल होते हैं वो तो भारी होते हैं, तो उसका वजन 2 किलोग्राम से अधिक होगा। उसी प्रकार से 2 किलोग्राम और 200 ग्राम में 2 किलोग्राम अधिक भार वाला होता है, जो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से हम बात करें तो हमें प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि किस तराजू का उपयोग किस वस्तुओं को माध्यम मापने में किया जाता होगा, उसका एक एक उपयोग हमें लिखना है। तो देखो, पहला जो तराजू है वो बहुत ही कीमती धातु है, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, ऐसी धातुओं का वजन करने के लिए पहले धातु का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जो दूसरे नंबर का धातु है उसका उपयोग मुख्य रूप से सब्जी और किराने के, जो सब्जी किराने और अनाज है उसके लिए किया जाता है। उसी प्रकार से जो तीसरे नंबर का हमें तराजू दिखाई दे रहा है, जो इसका उपयोग मुख्य रूप से हमें भंगार में किया जाता है, जैसे कि कोई भंगार वंगार आया हो उसका वजन मापना हो, या फिर कोई आपको अनाज का या फिर बड़ी मात्रा में कोई सब्जी उब्जी का वजन मापना हो, तो हम तीसरे नंबर के तराजू का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें तो चौथे नंबर का तराजू है जिसका उपयोग हम लोग मनुष्य का वजन करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से आपको पाँचवें नंबर का आपको यहाँ पर तराजू नज़र आ रहा है, जो ये पाँचवें नंबर का जो तराजू है उसमें इसका उपयोग बहुत ही अधिक प्रमाण में औद्योगिक इकाइयों में और फैक्ट्रियों में विविध उत्पादनों के वजन करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से हमारा कुछ अगला सवाल है कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति किस वजह से करनी है, तो देखिए 4 * 3 = 12, तो 4 × 3 = 12। उसी प्रकार से हम बात करें तो 6 × 4 = 24। उसी प्रकार से 28 हमें दिया है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 4 * 7 = 28। उसी प्रकार से 36 दिया है हमें तो 36 का सॉल्यूशन आएगा, 6 * 6 = 36। उसी प्रकार से 40 किसके पारे में आता होगा, तो 8 * 5 = 40 होता है। इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें तो हमें पैटर्न्स के देखकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए पहले पैटर्न में हमें क्या दिया है, 7 = 14 = 21, तो देखिए यहाँ पर 7 का पारा ही हमें नज़र आ रहा है, तो 7 * 14 = 21, तो क्या आएगा इसके बाद, 28 आएगा। उसी प्रकार से हम दूसरा बात करें तो 8 = 16, उसके बाद हमें एक खाली जगह दिया और फिर 32 दिया, तो देखो यहाँ पर हमें 8 का पहाड़ा ही नज़र आ रहा है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि 8, 16, 24 और 32 इसका जवाब आएगा। उसी तरह पाँचवें नंबर में आएगा 5, 15, 25 और उसी प्रकार से आएगा 30। उसी प्रकार से जो चौथे नंबर का सवाल है उसका पैटर्न आएगा 3, 9, 15 और 21, और उसी प्रकार से पाँचवें का जो सवाल है उसका आएगा 20, 40, 60 और 80। This is the end of our lecture. Thanks for watching this and God bless you.